कल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 126 गेंद शेष रहते हुए आसानी से 8 विकेट से हरा दिया। बता दें कि पाकिस्तानी टीम 162 रन पर ढेर हो गई और भारत ने 29 ओवरों में आसानी से 2 विकेट खोकर और उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, शुरू से ही हमने अनुशासित प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं हांगकांग के साथ हुई मैच में हमारी टीम को गलतियां सुधारने का मौका मिला और फिर हमारे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हम रणनीति पर कायम रहे और इस तरह के धीमे विकेट के लिए जो रणनीति बनाई गई थी उस पर पूरी तरह से अमल किया। उन्होंने कहा कि स्पिनरों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन शुरू में पहले 2 विकेट हासिल करना महत्वपूर्ण था। शुरू में विकेट लेना अहम था क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अच्छी है, इसलिए हम उनके लिए चीज़ें आसान नहीं बनाना चाहते थे। जब बाबर आजम और शोएब मलिक बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी हमने धैर्य नहीं खोया। केदार जाधव की भी तारीफ की जिन्होंने 3 विकेट लिए। उन्होंने कहा, केदार अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहा है और अपनी गेंदबाजी को वह गंभीरता से ले रहा है। उसने जो विकेट लिए वो हमारे लिए बोनस जैसे थे, विशेषकर हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद बीच में उसके ओवर टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।